हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री केदार। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सृष्टि नेगी पहाड़ी स्टाइल। आशा और उम्मीद करते हो आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त और खुश हूँ। अभी एक खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है और खूबसूरत से दिन की शुरुआत हो रही है। केदार घाटी से ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ 6 बजे से। तो दोस्तों, सुबह सुबह का मौसम देखिए, अभी ना अच्छे से धूप भी नहीं आई है। बाकी अभी आप देख रहे होंगे मैं रेडी हो गई हूँ, तो आज हम जा रहे हैं कालीमठ। गुड मॉर्निंग मम्मी, कैसे आप? दोस्तों कालीमठ हम जा रहे हैं मैक से, बाकी इतने सारे लोग जा रहे हैं। ये रही आंटी जी। आंटी जी हेलो करो। आज कहाँ जा रहे हो आप? कालीमठ। तो आज जा रहे हैं कालीमठ, साथ में बुआ लोग भी हैं, तो आगे मिलवाते हैं। कन्नू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जल्दी बोल। गुड मॉर्निंग। तो कन्नू भी रेडी हो गया है भाई आज। तो चलते हैं। चलो जी दोस्तों, अभी हमने यहाँ से अपने सफर की शुरुआत कर ली है। बाकी हम बैठ गए हैं पीछे वाली सीट पे। इधर रही गुड़िया, अनिशा हाय कर ले। गुड़िया हाय कर ले। इधर रही आंटी जी, बुआ जी, साथ में अंकल जा रहे हैं। यहाँ पे रही दादी जी, यहाँ पे रही दूसरी ताई जी। अब तो हाय कर ले। हाय हाय बाबा, हाय हाय बाबा, हाय। आगे पे है आयुष और साथ में है मामा जी, तो चलते हैं। चलो जी दोस्तों, अभी हम रोड पर भी पहुंच गए हैं। बाकी सफ़र में ना मैंने ब्लॉगिंग करी नहीं, क्योंकि पीछे बैठ रहे थे इसलिए ना थोड़ा सा सरदर्द भी होने लग गया था। बाकी यहाँ पे ना अभी बुआ जी लोग जा रखे हैं उधर, बाकी आज मैं आ रखी थी बुआ जी लोगों के साथ। और इधर साइड यहाँ पे ना प्रसाद की दुकानें हैं काफ़ी सारी। दोस्तों मंदिर जाने के रास्ते में ना प्रसाद की दुकान और माता रानी की चुन्नियाँ भी काफ़ी सारी हैं, तो आप ले सकते हो। ये देखो भाई, इधर साइड ना सारी दुकानें हैं। बाकी हम सब लोग आ रखे हैं कालीमठ मंदिर में, और यहाँ से ये रहा फर्स्ट वाला गेट कालीमठ जाने के लिए। तो अभी यहाँ पे से आंटी जी ने प्रसाद भी ले लिया है। ये देखो भाई, और जो ये प्रसाद की थाली एक है 100 की, तो काफी अच्छे प्राइस पर है। तो दोस्तों घंटी ना काफी ज्यादा ऊपर है, इसलिए लोगों को चलना पड़ रहा है, तो चलते हैं। दोस्तों मंदिर जाने वाले रास्ते में ना काफ़ी सारी घंटियां लग रखी है इधर से। बाकी जिन लोगों की मन्नतें पूरी होती है, लोग मन्नतें मांगते हैं तो पूरी होती है, तो फिर घंटियां चढ़ाते हैं मंदिरों में। बाकी यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा चेंज मुझे लग रहा है। इससे पहले ना यहाँ पर टीन दिखाई, देखो ऊपर आप देख रहे होंगे, और अब टीन भी लगाया गया है, मतलब यात्रियों को ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी धूप होती है बारिश से, तो कुछ ऐसा है दोस्तों। बाकी चलते हैं। चलो जी दोस्तों, ये मैं दीदी की शॉप पे ही पहुंच गई हूँ। बाकी आप लोग तो जानते होंगे अभिनेता दीदी को, हेलो कर लो हमारे ब्लॉग में भी। हेलो दोस्तों, जय माता दी, सिद्धपीठ कालीमठ, माँ काली को ध्यान कर दो। सभी भाई बंदो, सभी दीदी बुलो और सभी जगदारों से मैं बिंदा राणा प्रणाम कर दूँ। और आज सृष्टि आ रही है कालीमठ में, सरप्राइज क्या सरप्राइज था दीदी के लिए, इसलिए मैंने कॉल भी नहीं करा। बाकी इससे पहले भी आती दीदी को मिलती नहीं थी, लेकिन आज मैंने कहा कि दीदी को मिल के जाऊंगी। अब मैं बिजी रहती थी कमरे में, आजकल तो दुकान ही पे हूँ। मिलते हैं, पूजा करा के आते, ठीक है। दोस्तों विनेता दी की शॉप है मंदिर के ठीक बगल में। बाकी यहाँ पे आपको पूजा की थाली भी मिलेगी, श्रृंगार का सामान भी मिलेगा। अगर आप कुछ चीज अपने लिए ले जाना चाहते हो तो सब कुछ यहाँ पे है ना दीदी। यहाँ पे ना जो भी आता है रोड से ही थाली लेके आता है, और मंदिर के पास बोलते हैं महंगा है महंगा, ऐसा कुछ नहीं है। 100 रुपए की थाली भी है, 50 रुपए की भी है, जैसे आपकी इच्छा हो चढ़ाने की। और बाकी ना ऐसे महंगा मुंगा कुछ नहीं है, पर लोग प्लीज नीचे भी आओ, जरूर यहाँ से ले जाएंगे, ठीक है। तो जी दोस्तों, अभी मैं मंदिर पर भी पहुंच गई हूँ। जी दोस्तों, अभी मैं प्रांगण में खड़ी हूँ। थोड़ा सा आपको कालीमठ मंदिर के बारे में जानकारी देती हूँ। कालीमठ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। इस मंदिर को भारत के प्रमुख सिद्ध शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। कालीमठ मंदिर हिंदू देवी काली को समर्पित है। स्कंद पुराण के अंतर्गत केदारनाथ के 62 अध्याय में माँ काली के इस मंदिर का वर्णन किया गया है। कालीमठ मंदिर के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई भी मूर्ति नहीं है। मंदिर के अंदर भक्त कुंड की पूजा करते हैं। यह कुंड रास्त पर श्री यंत्र से ढका रहता है। केवल पूरे वर्ष में शारदीय नवरात्रि में अष्टनवमी के दिन इस कुंड को खोला जाता है और दिव्य देवी को बाहर ले जाया जाता है, और पूजा भी केवल मध्य रात्रि में ही की जाती है, तब केवल मुख्य पुजारी ही मौजूद होते हैं। तो दोस्तों कालीमठ मंदिर की ये कुछ खास बातें मैंने आपके सामने शेयर करी। श्री कालेखनंदावंदा
दोस्तों अभी मंदिर में पूजा कर ली है, बाकी माता रानी का आशीर्वाद लिया है और अब चलते हैं उधर भैरवनाथ जी के मंदिर में, ले चलते हैं आपको भी। दोस्तों अभी पूजा भी करवा ली है, बाकी नदी की ना काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, इसलिए वीडियो ना क्लियर नहीं आ रही होगी, तो अब चलते हैं घर की तरफ। बाकी आज देवी ने ना मुझे आशीर्वाद भी दिया, तो आगे मैं आपको बताऊंगी। चलो जी दोस्तों अभी अंकल जी ने लगा रखी थी स्टेशन पे गाड़ी, बाकी अंकल जी भी गाड़ी लेके आ गए हैं, तो अब हम चलते हैं। शादी तो बैठने लग गई है और यहाँ पे से ना फ्रूटी वगैरह ले रहे हैं। तो अभी घर पर भी पहुंच गए हैं, बाकी घर पे ना ठीक ही टाइम पे पहुंचे क्योंकि मॉर्निंग में ना हम जल्दी निकल गए थे। अभी बज रहे हैं 9 और सुबह में ना ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं करा, खाली पेट गए थे। और तो दोस्तों आज मंदिर में जाके ना आपने देखा होगा बुआ जी आ रखी है घर में, और साथ में जो बुआ जी के हस्बैंड है मतलब मेरे मामा जी, और उन पे आती है काली माता। और देवी ने मुझे बुलाया और मुझे आशीर्वाद दिया कि आपका यूट्यूब चैनल अच्छा चले, कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट करती है, जबकि मामा जी को पता भी नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं कॉलेज करती हूँ। तो सच में कहते हैं देवियों की जो शक्ति होती है ना, मतलब पता नहीं चलती है ना, तो इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि मतलब खुद ही बता लिया सब कुछ मेरे बारे में, सच सच बता लिया और बोला कि तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट करती है कि ये वो आराम से कि मेरा नाम लेना। तो काली माता का बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि माता रानी आपने मुझे आशीर्वाद दिया, बाकी मैं मेहनत तो कर ही रही हूँ, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो दोस्तों यही मुझे आज बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी, और देवी माँ ने सच सच बोला, काली माता ने सच सच बोला। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा शक्तियाँ होती है भाई, हमारे उत्तराखंड में यूं ही नहीं बोला जाता है देवभूमि उत्तराखंड। तो अब मैं जल्दी से ना कपड़े भी चेंज करती हूँ, और गर्मी भी ना बहुत हो गई है। जी दोस्तों ये मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, बाकी देखो कुल्फी वाली आइसक्रीम खाते हैं क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और अभी ना ऐसा कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा है, बस ठंडा ठंडा कुछ खाने का मन कर रहा है। ये आइसक्रीम में ना थोड़ा थोड़ा पिघली हुई है, इसलिए मुझे ना जल्दी फिनिश करनी पड़ेगी। तो खाती हूँ, बहुत ठंडी है।